जैसे बकरी है, हेलो, है ना, बच्चा मेमना, मेमना को बुखार के बारे में सवाल किए, मैं बता रहा हूँ खाना का, मैंने उसको निमोनिया है, नाक से पूरा घर घर इसको आवाज आ रहा है, मैंने नाक चल रहा है, खांसता भी है, घर घर आवाज आ रहा है, पूरा धक्का धक कर रहा है, पूरा यहाँ कलिया छूते हैं तो नाक से पूरा शराब हो रहा है और घुर घुर करते रहेगा, घुर घुर बोलते रहेगा, खाना पीना बंद कर देगा, कम कर देगा या बंद कर देगा। हाँ, ये बहुत बहुत क्रिटिकल स्टेज है, इसमें आगे चल के सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो बच्चे की मौत हो जाता है। मेमना का नाक से शराब चल रहा हो, घर घर का आवाज आ रहा हो, खांस रहा हो, उसमें मैं आप इसलिए कि आप लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, घर में बच्चा तो सबका है भाई, तो जो आपके घर में दवा है उसी का मैं इलाज बता देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, बुखार नापने के लिए, बुखार नापने के लिए आप लोग में से जिनको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बच्चा दवाई मैं बताऊंगा, पहले बुखार चेक करेंगे इसको बुखार है कि नहीं, बुखार देख लेना है ना, कोई भी दवा बिना जाने अपना दे। अब बुखार आप देख सकते हैं, निमोनिया तो आप देख नहीं सकते, तो लक्षण में बता रहा हूँ, पहचान पकड़िएगा कि घर घर आवाज कर रहा है, नाक से शराब चल रहा है, घास भी रहा है, पूरा धक्का धक्के सब कर रहा है, और बुखार चेक कर लेना है, ताकि बुखार नहीं रहेगा तो दवा दूसरा पड़ेगा, अब बुखार रहेगा तो साथ में दवा और मिलेगा, तो बुखार चेक करना, बुखार चेक करने का तरीका ऐसे ऐसे ये है, खाना खाना ली, इसमें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी ट्रिक है, तो बुखार उल्टा सीधा आ जाएगा, पकड़े रहिएगा। अब मीटर है, मीटर का कैप निकालेंगे, पहले उसको झाड़ लेंगे, जो पहले टेम्परेचर उझड़ जाना चाहिए, और इसको पैखाना के रास्ता में हम थोड़ा सा इतना अंदर डालेंगे, और डाल के सीधा नहीं रखना है, हाँ सीधा रखिएगा तो जो गोबर उसका उसमें टच करेगा टेम्परेचर आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ताकि इसका ऊपर वाला नली में ठीके ठेके चमड़ा में इसका ठेके उसमें सही टेम्परेचर बता दें, इसका मांस में ठेके हुआ, 2 मिनट रख के हम निकाल लेंगे, और झट से अगर हम पाता है तो देख लेंगे, तो बच्चे को तुरंत दिखवाएंगे, क्योंकि बाहर के वातावरण में जैसे यहाँ टेम्परेचर आगे पीछे होने लगेगा वो, तो अगर ज़्यादा गर्मी है तो बुखार है तो गर्मी बता देगा, ज़्यादा बता देगा ठंडा तो तुरंत टेम्परेचर डाउन होगा, तब कहेगा बुखार नहीं, झट से निकालिए, फट से दिखवाइए, बच्चा को खड़ा रखिए, तो आप अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए, दो तीन उनको दिखाइए। अब ये हो गया, बुखार है, यदि बुखार नहीं है, खांस रहा है, नाक से शराब चल रहा है और बुखार नहीं है, अरे बुखार नहीं है जिस पर आइए, बुखार नहीं है तो हमें क्या करना है, हालांकि ऐसा होगा तो लगभग बुखार रहेगा ही रहेगा, जो हालात मैं बताया इतना चाहिए तो बुखार लगभग रहेगा ही रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसमें घर वाला दवा तो दवा बहुत सा है, लेकिन आप लोग सब औरत हैं, सबके घर में बच्चे हैं, घर में इस्तेमाल होता है दवा जो मैं बताता हूँ, घर घर का आवाज भी कर रहा है और हमने नापा तो उसको बुखार भी है, बुखार कितना रहेगा तो बुखार मानिएगा 102 104 नहीं 3 को भी बुखार मानिएगा, 102 ही इसका सही चीज है, 3 भी आया तो कुछ उसको बुखार है, तो 3 से 4 है तो बुखार है, 200 ऊपर है तो बुखार है, 2 तक सही है इस स्टेज में, तो अब क्या करेंगे, नाक से शराब चल रहा है, खांसी है, घर घर की आवाज कर रहा है और बुखार भी है, तो आप लोग उतना तो है नहीं पढ़ लिखे कि दूसरा दुनियादारी का बहुत सा दवाई इसमें आता है, इंजेक्शन आता है, इंटासेप वगैरह लगता है, डेक्सोना मिला के बहुत सब चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ घरेलू जो आप घर में बच्चा लोग आप इस्तेमाल करते हैं, सीनारेस्ट सब लोग जानते होंगे, जानते हैं ना सीनारेस्ट, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब औरत हैं और हजार आप लोग अनपढ़ हैं बहुत लोग, लेकिन सीनारेस्ट फेमस दवा हो गए, तो सीना रेस्ट देना है, तब सिरप रहेगा, सीना रेस्ट आपको देना है, तुम छोटा बच्चा अगर है तो 1 से 2 ml, अगर बच्चा 15-20 दिन का 1 महीना का है तो 3 से 4 ml देंगे, छोटा को देंगे, हाँ हाँ, अरे दवा किसी लिए कहा के नहीं बनता जी, वो सबके लिए दवा ही दवा होता है, समझ गए, देखिए 2 से 3 ml, अगर बड़ा है कुछ बड़ा बच्चा जैसे 1 महीना 2 महीने का है तो उसको 5 ml देंगे, 5 ml देंगे और इसको देंगे हम सुबह शाम, सुबह शाम इसको दे दिए हम, क्योंकि ना आप सीना रेस्ट दिए हैं इसे, आप साथ में इसको जिसे खांस रहा है, घर में आवाज कर रहा है, निमोनिया का भी पूरा है, सीना रेस्ट दिए है, बुखार चल रहा है, निमोनिया
में भी काम करता, साथ में इसको देने है मेनो सेप ओ आता है करके, मेनो सेप ओ, मोनो सेप ओ सिरप आता है, ओ हाँ मोनो सेप ओ, मोनो सेप एक इंजेक्शन आता है वो नहीं लेना है क्योंकि इंजेक्शन इसमें काम करेगा मन से करेगा, आप लोग नहीं लगा पाइएगा तो सिरप दीजिए, अच्छा है मोनो सेप ओ सिरप है। इसको भी आपको दो से तीन, ये कैसा आएगा जाना है, ये एक में पाउडर रहेगा एक में पानी रहेगा, हाँ दोनों को मिला लेना है, सुमसुम पानी करके मिला लेना है और इसको देना है, इसको ऐसे ही सुबह शाम दो से तीन में चल जाना है, बड़ा है तो पाँच ही में देना है, आपका ये रोग खत्म। ये तो बीमारी हो गया, आपको करना क्या, घरेलू घरेलू भी करना है, आप उसके लिए माई हैं और आपका पूंजी है, इसीलिए मैं बताया दोनों ही है, सर्दी खांसी ठीक होगा घर एक दवाई में आजी दोनों मिला के दीजिएगा वो ठीक हो जाएगा, इंसान का है ना, आदमी को चाहे आदमी का ही दवाई, जो मैं बकरी पर कर रहा हूँ बचवा को तो यही देवे कि ठीक हो जाएगा, आपका आदमी का बच्चा है तो बकरी को हो गया तब सर कितना एमएल पड़ेगा, बकरी को होगा तो आप इसको चेंज कीजिए, अच्छा अब बड़ा में आ जाइए इंजेक्शन लगा दीजिए तुरंत ठीक हो जाएगी, बच्चा के लिए है काम करेगा, लेकिन आप उतना इंतजार क्यों कीजिए, तो वही मैं बताता हूँ आपको, अब ये हो गया दे सकते हैं, बड़ा हो गया तो दस में दे सकते हैं, हम दे सकते हैं रोज बढ़ा के हम देते हैं काम वही करेगा, लेकिन बड़ी बकरी है तो हम आराम से उसको इंटा सेप गाभी नहीं तो डेक्सोना मिला के दो एम एल करके लगा देंगे वो सही हो जाएगी, तो ना बढ़िया है, अभी टाइम अपने पास नहीं ना है, तो आप पढ़े लिखे हैं, अभी लोग बेचारे अनपढ़ हैं, इन लोगों को समझाना मुझको थोड़ा दूसरा हिसाब से पड़ जाता है, समझ गए, अब बफारा देना है इसमें, घर घर की आवाज कर रहा है, पूरा नाक उसका जाम है, नेटा से भरल है, पूरा अंदर फेफड़ा में उसका कब भरल है, कभी भी प्राण त्याग सकता है, स्टेज हो जाता है, उसको भफारा देना है, भफारा मतलब क्या समझते हैं, भाप देना है, भाप किस चीज से दीजिएगा, अरे 12 बजे रात में आपको बकरिया के लिए डॉक्टर जाएंगे, अपना सीखिए।